सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को ऑन करें। हे गाइस, दिस इज इमरान, न्यू वॉचिंग चेक रिव्यू। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली वर्ड्स को शेप के फॉर्म में लिख सकते हो और फोटो के फॉर्म में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे। तो चलिए जल्दी से इस ऐप को हम ओपन करते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए वर्ड क्लाउड, ठीक है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड और इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। ओपन करने के साथ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको जिस वर्ड को शेप के फॉर्म में टाइप करना है, आप सिंपली वर्ड्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने वर्ड्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इन सब वर्ड्स को क्लियर कर देता हूँ, तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा डालता हूँ, जैसे मैं करूँ टेक रिव्यू। मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे इंटर कर दिए। उसके बाद हम बैक पे चले आएंगे। बैक पे आने के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहले से शेप दिया हुआ था उस पर आप जो मैंने नए वर्ड्स ऐड किए वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। उसके बाद आप इस शेप वाले बटन पर क्लिक करके अपने शेप को चेंज कर सकते हो। कुछ यूँ वो काफ़ी सारे शेप्स में दिए हुए हैं, आप इन्हें चूज़ करके मनचाहा शेप को अपने व्हाट्सएप फॉर्म में डाल सकते हो, ठीक है। तो बैक आते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी स्माइली भी शेप में दी हुई है। फ़ॉन्ट पे चले जाएंगे, आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद आता है कलर का ऑप्शन। अगर हम कलर में जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दिए हुए हैं जो आप यहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस फोटो को सेव करना हो तो आप इसे सेव कैसे करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई अच्छा शेप पहले चूज़ कर लेता हूँ। मैं इस हार्ट वाले शेप को चूज़ करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इमेज, तो आप इस एक्सपोर्ट इमेज वाले बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हो। यहाँ पर मैसेज आ गया कि हमारा फ़ोटो जो सेव हो चुका है। अब हम गैलरी ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने जो बनाया अभी शेप वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो आप इस ऐप को अपने YouTube चैनल के लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से इजीली एक लोगो भी क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है। तो मैं इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो बस इस ऐप का यूज़ कीजिए और फोटो बनाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आपके स्क्रीन पे मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।